जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर वन पे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने जीरो नोबल लॉरियट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। यूएसए ने 100 प्लस कर दिए। AICR की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे, एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे, अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कॉम्पिटिशन होता है, जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है, और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है आप गूगल से पता कर लोगे, उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, और बिना किसी बुक को पढ़े एक 5 साल का बच्चा सीख लेता है क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता, न प्रिंसिपल, न टीचर, न बच्चे, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2ab की जगह अगर आपने 3ab बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपके ऊपर। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं ना, जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं ना तो ज़्यादातर क्रम्बल करते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे, और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होता। अब एक लाइन से आप शेर, मछली, सांप, हाथी सबको लाइन से खड़ा कर दो और उनसे कहो पेड़ पे चढ़ो, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई, सबको एक ही चीज़ नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, और सबसे नीचे जाके कहीं नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट्स लेने वाले को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री नहीं कराएंगे, तो वो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का, तो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे। और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब यही समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी ज़िंदगी बेकार। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में और ये अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, दूसरे को जेलस फील कराओगे, नीचा फील कराओगे। और इस छोटी सी उम्र में अगर सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे, इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अम्बानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के CEO को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेगा, और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ना करे एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो एक स्किल है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए जिस एरिया से वो जीते हों उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 368 प्यून की जॉब के लिए
1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं आई एस पी सी एस की तो बात नहीं करता हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उन्हें। उनसे पूछो कि क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो, तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है, मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूँ तो टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रिलेवेंट भी होगी कि नहीं उस समय। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा।